दोस्तों क्या आपको मालूम है 1 जून से सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल पर गवर्नमेंट ने नए रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। दोस्तों अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है और हमको भारी पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों आप एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 1 जून से क्या होगा, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हो 10 लाख या उससे ज्यादा, वो अमाउंट चाहे कैश में हो या यूपीआई के जरिए आपके बैंक अकाउंट में आया हो, तो बैंक क्या करेगी, उस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करेगी और वो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगी, आपके आईटीआर फाइल को देखेगी। अगर आपने आईटीआर फाइल की है और उसमें यूपीआई और के जो कैश डिपॉजिट करवाया है उन ट्रांजेक्शन को आईटीआर में शो कर दिया कि पैसा आपके पास कहाँ से आया है, उसका पर्याप्त कारण आपने आईटीआर में दिखा दिया, तब तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है तब आपके साथ क्या होगा, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको नोटिस भेजेगा और नोटिस भेजने के बाद आपसे ये पूछेगा नोटिस में कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। अगर दोस्तों आप उसका पर्याप्त कारण नहीं बताते हैं तो फिर क्या होगा कि आपको दिक्कतें आ सकती है और इसके साथ ही आप पर भारी पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों आपको करना क्या है, जो भी लेन देन को आप करो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, तो उसका पूरा रिकॉर्ड आप मेंशन करके रखो, अपने पास नोट करके रखो कि आपके पास पैसा कहाँ से आया है। तो आप नोटिस का आसानी से जवाब दे दोगे कि पैसा कहाँ से आया है। अगर आपको मालूम नहीं है कि पैसा कहाँ से आया है, किसका डिपॉजिट हुआ है, किसका यूपीआई हुआ है और आप बताने में भी हिचकिचा रहे हैं, तब आपके परेशानी हो सकती है। दोस्तों इसका पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।